हेलो फ्रेंड्स, मैं रूबीना गोरी ईशान गुरु वास्तु से आपका आपकी अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण 10 पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे जिसको घर में रखने से घर की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ में कई लाभ भी होते हैं। आपको यह 10 पेंटिंग अपने घर में कहाँ लगानी है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार अपने घर को एनर्जाइज करने के लिए। इसमें से आपको जिस तरह की जरूरत हो उसी तरह की पेंटिंग अपने घर में लाकर लगाइए, जिससे आपकी जरूरियात पूरी होगी और आपका घर पॉजिटिविटी से भर जाएगा। हम आगे बढ़े उससे पहले, आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए आइए अब बात करते हैं 10 पेंटिंग के बारे में। सबसे पहले है वॉटरफॉल, यानी गिरते हुए झरने की तस्वीर। इस पेंटिंग को आप ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट या फिर उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में लगा सकते हैं। ईशान कोण पानी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए आप यहाँ पर वॉटरफॉल की तस्वीर लगाते हैं तो आपको झरने से प्रेरणा मिलती रहेगी, यानी आपके माइंड में नए प्लान और नए आइडियाज आएंगे जिससे आपको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, यानी आपकी तरक्की भी होगी और आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी भी होगी। अब दूसरी है ग्रीनरी की पेंटिंग, यानी हरियाली की तस्वीर। इस तस्वीर को उत्तर दिशा में लगानी है क्योंकि वह दिशा अर्थ तत्व को एक्टिव करती है। इस जगह पर ग्रीन सीन की पेंटिंग लगाने से आपको व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी, यानी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस पेंटिंग को घर में लगाने से आपके घर में भी हरियाली के प्रति खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएगी। तीसरी पेंटिंग है सूर्योदय। जाहिर है दोस्तों, सूर्योदय की पेंटिंग को आप जहाँ से सूर्य उदय होता है वही दिशा यानी कि पूरब में लगाइए। इससे आपको नेम और फेम मिलता है, आपको बिजनेस में भी सफलता मिलती है और सूर्य की तरह आपका और आपके बिजनेस का नाम प्रकाशित एवं फेमस होता है। चौथी है बिल्डिंग्स की पेंटिंग। बिल्डिंग्स की पेंटिंग को आप नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट कोने में लगाइए। यह कोना अर्थ एलिमेंट को एक्टिव करता है, इसीलिए यह दिशा हेवी होनी चाहिए। यहाँ पर आप ऊंची इमारतों के फोटो लगाइए, इससे आपको हर काम में मक्कमता मिलेगी, यानी आप सही समय पर सही निर्णय कर सकेंगे और अपने काम में अडगता हासिल कर सकते हैं। पांचवी पेंटिंग है पहाड़ों की। पहाड़ी की पेंटिंग आपको पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में लगानी है। इससे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और आपको अपनी प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर भी मिल सकेंगे। छठी है मछली की तस्वीर। मछली की तस्वीर को आप ईशान या फिर अग्निकोण में लगाइए। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको स्फूर्ति से कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी। आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और साथ में आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और आपको बिजनेस के लिए नए आइडियाज आते रहेंगे। सातवीं है सात घोड़ों की तस्वीर। दौड़ते हुए सात घोड़ों की तस्वीर आपको साउथ यानी दक्षिण दिशा में लगानी है। इस पेंटिंग को लगाने से आपको अपने बिजनेस में सपोर्ट की जरूरत हो तो वह तुरंत मिल जाएगा, जैसे कि बैंक लोन, रॉ मटेरियल या फिर अन्य कोई सहायता आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और कर्ज से मुक्ति के लिए पानी में दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग आपको उत्तर दिशा में लगानी है। और बेडरूम में लगानी हो तो घोड़े के जोड़े की तस्वीर आप लगाइए। आठवीं है हंस की पेंटिंग। आप अपने बेडरूम में हंस के जोड़े की तस्वीर लगाइए। इसको लगाने से पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम बढ़ता है, पर इस बात का ध्यान रखें कि एक अकेले हंस की तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी है। एक अकेले राजहंस की तस्वीर आप अतिथि कक्ष में रख सकते हैं।
नौवीं तस्वीर है आपकी फैमिली फोटो। इस तस्वीर को आप अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण या फिर पश्चिम की वॉल पर लगाइए। इससे घर में शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। दसवीं है करंसी पिक्चर। इस तस्वीर को उत्तर यानी नॉर्थ साइड पर लगाइए। इससे आपको बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, अब आप भी जान गए हैं इस 10 पेंटिंग्स के इम्पोर्टेंस और उनकी सही जगह और फायदे के बारे में। तो फिर जल्दी से अपने घर में इनमें से जो भी आपको सही लगे वो पेंटिंग्स लगाइए और फिर जानिए उनके फायदे। अपने घर में इन पेंटिंग्स को लगाइए और घर में पॉजिटिविटी, धन, सुख, समृद्धि में हो रही बढ़ोतरी को महसूस कीजिए और साथ में अपनी मुश्किलात में हो रही कमी को भी महसूस कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, इन सभी पेंटिंग्स को ऑनलाइन मंगाने के लिए इसकी लिंक आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।